बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार अहमद सवाती और आप देख रहे हैं swadnews.com। आज दोबारा सफ़र का आगाज़ शुरू कर रहे हैं और हमने जाना है आज कलाम से शाहीबाग तक जाना है। शाहीबाग एक वादी है, खूबसूरत उतरूड़ के करीब वाक़िया है। कलाम बाज़ार से अब हम जाएंगे इसी जीप में और रास्ते में कलाम बाज़ार में हमने करना है नाश्ता, ज़बरदस्त किस्म की यहाँ के जो लोकल नाश्ता है वो करना है। आगे आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा, ये हमारे साथ रहिए। बाज़ार में इस वक्त मौजूद हूँ। नाश्ते के बाद आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे लोकल जो गाड़ी है, लोकल जो जीप है, वो यहाँ से जाते हैं महुडन झील और जो दूसरे सयाहती इलाके हैं शाहीबाग और उतरोड़ और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे या ये जो जीप वगैरह जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, तो आप यहाँ से बुक करवा सकते हैं। हमारा सफ़र जारी है नाश्ते के बाद। हम अभी कलाम जंगल से आगे जाएंगे और दो रास्ते जो है यहाँ पे कलाम जंगल में अलग होते हैं, एक मोडन की तरफ जाते हैं और दूसरा जो है वो उतरोड़ वाले साइड पर जा रहे। अभी हमने उतरोड़ का रास्ता इख्तियार किया है। ये अभी कारपेटेड काफ़ी हद तक जो है ये कारपेटेड रोड है, तरकोल है और इससे आगे फिर हम जाएंगे उतरोड़ तक। उतरोड़ से एक और रास्ता जो है अलग हो रहा है, वो शाहीबाग जा रहा है। तो मेरे साथ ड्राइवर साहब भी है। सर क्या कहना चाहते हैं, कितना रास्ता है अभी, कितनी देर में हम पहुंचेंगे शाहीबाग? सर कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे शाहीबाग। अच्छा, ड्राइवर का कहना है कि 2-2.5 घंटे कलाम से हमारा जो है वो लगेंगे। ड्राइवर साहब हमारे साथ मौजूद है, वो भी कॉम्पिटेंट है। कलाम से थोड़ा आगे हम पहुंचे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दो रास्ते जो है वो अलग अलग इलाकों को जाते हैं। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये जानशाही मेडोज जो है यहाँ पे जाते हैं, जो राइट साइड पे आपने लेफ्ट पे मुड़ना है फिर राइट लेना है और ब्लू वाटर का एरिया भी इस साइड पे है। अब हमने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया है एक पुल के नीचे है, पुल के नीचे आप जाएंगे तो आप ब्लू वाटर तक जा सकते हैं। और जो हमने ऊपर ये जो पुल का रास्ता इख्तियार किया है, अभी हम जो गुजर रहे हैं तो ये रास्ता सीधा जो है उतरोड़ वैली जाते हैं। उतरोड़ वैली से आगे फिर दूसरे खूबसूरत इलाके भी हैं और जो शाहीबाग के इलाके हैं, शाहीबाग का खूबसूरत इलाका है वहाँ तक चूँकि हमने जाना है तो हमने ये रास्ता इख्तियार किया है। आगे रास्ता जो है इतना ख़राब भी नहीं है लेकिन फिर भी कच्चा रास्ता है, तो हमारा सफ़र जारी है। रास्ते पे जो भी खूबसूरत मकामात आएंगे हम आपको वो भी दिखाएंगे। सफ़र जारी है हमारा और ये अभी हम उतरोड़ के गांव में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे मेन रोड से अब हम लेफ्ट के साइड पे मुड़ेंगे। एक ये जो सीधा रास्ता जाता है उस पे ना जाए क्योंकि ये मकामी लोगों के लिए है, कुछ गांव है। अब ये जो छोटा सा पुल है दरिया के ऊपर, तो इस पे हम लेफ्ट साइड पे मुड़े हैं और आगे ये हम उतरोड़ गाँव में एंटर हो चुके हैं।
हमारा सफर जारी है उतरूड बाजार से। आगे हम एक और मकाम पे पहुंच चुके हैं। जब आप उतरूड बाजार से आगे आएंगे तो आपको दो रास्ते जो है वो आएंगे। एक अगर आपने जाना है ब्राट और बाडगुई टॉप पे तो आपने लेफ्ट मुड़ना है। आज हमने जाना है शाहीबाग, तो हमने सीधा रास्ता जो है अपनाया है और ये जो रोड है इसी रोड पे हम सीधा जाएंगे। आप अगर शाहीबाग जाना चाहते हैं तो इस ये पुल जो है मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पुल है, तो ये पुल एक निशानी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सफ़र जारी रहेगा, इस रोड पर आगे जाएँगे, खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखाऊँगा और शाहीबाग पहुँच के शाहीबाग के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं उतरोड़ गबराल पे। ये जो सीधा रास्ता जाता है तो ये खरखड़ी झील और जो दीगर रास्ते हैं वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जब आप पहुँचे, स्टील ब्रिज है, आप निशानी के तौर पर याद रखें ये। फिर आप अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपने मुड़ना है। इस जो ये रास्ता है यहाँ पे मुड़ना है। ये बिल्कुल स्टील जो ब्रिज है गबराल उतरोड़ गबराल से आगे स्टील ब्रिज आता है, तो इसी रास्ते को हम फॉलो करेंगे और आगे जाएंगे शाहीबाग तक। तो आइए हमारे साथ रहिए, हम आपको लेके जाएंगे शाहीबाग तक। और आखिरकार हम शाहीबाग पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत नज़ारे हैं। तकरीबन ढाई घंटे का जो रास्ता था, 2 घंटे और 15 मिनट तकरीबन हमें लगा कालाम से। ये खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत पानी है। ये नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद। शाहीबाग पहुंच चुके हैं हम, तो यहाँ पे अचानक हमने तो वेदर चेक किया था लेकिन फिर भी पता नहीं चला। यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो गई। कुछ मकामी लोग यहाँ पे आए हैं, स्वात के हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे वो आए हैं, अपने साथ फ्रूट भी ले आए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यहाँ के बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है और बहुत ज़बरदस्त मौसम भी है। मसला सिर्फ ये रोड का है कि रोड बहुत डैमेज है, बहुत लोगों को तकलीफ़ है, हर गाड़ी नहीं आ सकते। हम अपनी गाड़ी रास्ते में छोड़ के दूसरे गाड़ी का रहते लेके आए, अगर इसका बंदोबस्त हो जाए। और खूबसूरत जगह है लेकिन नज़ीर वादी है बिल्कुल, जैसे पूरे स्वाद में यहाँ से अच्छी जगह और हो नहीं सकते। कालाम तो ऐसे भी मशहूर है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे कुक मौजूद है। सर ये बताइए कि शाहीबाग में आप सयाहों के लिए क्या स्पेशल तैयार कर सकते हैं? स्पेशल जैसे चिकन होता है, अच्छा चावल,
चिकन चावल और चाय किस तरह चाय मिल्क पैक में तैयार करते हैं सही दूध में मिल्क पैक भी होता है दूध भी होता है गाय वाले ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप जब यहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ पे आइए और मिल्क पैक के अलावा जो खालिस दूध होते हैं जो गाय और भैंस के दूध होते हैं तो यहाँ पे चाय भी तैयार कर सकते ये देख सकते हैं आपके बेहतरीन चाय तैयार किया है और ये मेरे ख्याल में कढ़ाई तैयार होने वाली इसमें चिकन जो है वो तैयार होने वाला है एक ट्रेडिशनल किस्म का यहाँ पे वो तैयार किया है एक ट्रेडिशनल किचन जो है उन लोगों ने तैयार किया है यहाँ पे आप जो है सर्दी से महफूज भी हो सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अखलाक है इस उन लोगों का बहुत अच्छे लोग हैं तो आप जब शाहबाग आते हैं अपने साथ भी खाना और वगैरह ले आए लेकिन जब आप आ सकते हैं यहाँ पर तो आपको हर चीज़ मिलेंगे यहाँ पे एक टेंट में बैठा हूँ चूँकि बाहर बारिश है तो चाय का और भी मज़ा है अपना मज़ा है यहाँ पे टेंट में हम बैठे हैं और जो बारिश है बाहर बारिश बरस रही है बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है चाय पीने का क्योंकि ठंड में चाय पीने का अपना ही अलग मज़ा होता है यहाँ पे मेरे साथ शाहबाग ग्राउंड में या शाहबाग में मेरे साथ इस वक्त कुछ सयाह मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करेंगे सर क्या कहना चाहते हैं कहाँ से आए आप लोग हम आए हैं नौशेरा चिराट एसएसजी कमांडोज की अच्छा जगह है वो अच्छा और इधर हम आए हैं बाकी व्यूज़ की बात है तो हम इससे पहले बहुत से कुमराट के इलाका पर दीर का जो है मरी कलाम या सॉरी मरी और गलियात वगैरह हो गए ये सारा कुछ हमने देखा लेकिन इधर हम जैसे ही एंटर हुए हैं तो सब के वो कहते हैं ना मुंह खुले रह गए तो वो वाला काम हमारे साथ अच्छा अपने दोस्तों को और सयाहों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप उनको पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आए ये देखने की जगह है और सेकेंडली उनसे मेरी एक गुजारिश ये होगी कि इधर काइंडली जब भी आप आएँ तो पोल्यूशन ना फैलाएं इस जगह की जो खूबसूरती अभी थोड़ी बाकी है तो ये अनटच रहा है उस वजह से इसी तरह कलाम और कुमराड़ को लोगों ने कर दिया तो काइंडली एक हम तो पेशावर से आए और बहुत खूबसूरत जगह है और सारे फैमिली का जगह है और मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि इधर आ जाए और बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो सयाह है वो यहाँ पे आए हैं छोटे बच्चे भी आए हैं आप लोग देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे खुशी महसूस कर रहे हैं मेरे साथ इस वक्त कुछ सयाह मौजूद है सर आप लोग कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है पंजाब फैसलाबाद से हैं जी काशिफ मेरा नाम है अच्छा सर शाहबाग कैसा लगा आपको आउटस्टैंडिंग वंडरफुल कमाल की जगह अच्छा सयाहों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप आए ज़रूर आए साथ आए इस चीज़ का ख्याल रखें ये पैम्पर्स बोतल्स और ये चीज़ें इनको ज़रा क्लोज करें और अपनी गाड़ी तक महदूद रखें जो जो एक ब्यूटी है इसको ख़राब नहीं करें ब्यूटी को ख़राब ना करें और दूसरा स्वाद के लोगों के लिए ये पैगाम है दरख्तों को ना काटें अच्छा जो ब्यूटी ये दरख्तों से ब्यूटी है ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो लोग यहाँ में नहीं आएंगे हमें यानी अट्रैक्शन इसी चीज़ों में आती है ना कि पहाड़ हैं दरख्त हैं ये चीज़ें हैं जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फिर हमें भी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे मेरे साथ और छोटे छोटे जो सयाह है वो यहाँ पे आए हैं उनसे बात करेंगे बेटा आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है हम इस्लामाबाद से आए मेरा नाम मोहम्मद हमाइल है ये बहुत अच्छी जगह है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है यहाँ एक और छोटा जो सयाह है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बेटा आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए अब्दुल हनान नाम है और हम इस्लामाबाद से आए अच्छा क्या कहना चाहते हैं आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं शाहबाग की खूबसूरती के हवाले ये बहुत ही अच्छी जगह है ये बहुत अच्छी जगह है ये फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी जगह है इधर आके कैंपिंग करना बहुत ही अच्छा है और उनको कहना चाहता हूँ कि वो इधर आए अपने ख़ास एक स्पेशल दोस्त को और आपने ख़ास फैमिली मेम्बर को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप मैं देना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त नुमान है वो इधर आए इधर कैंपिंग करे बहुत अच्छा लगेगा उसको और हमारी फैमिली आई हुई है उधर आगे है
शाहीबाग के मनाजिर भी देख लिए आपने, लेकिन शाहीबाग से तकरीबन 10-15 मिनट के पैदल फासले पर हम यहाँ पे आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक फाउंटेन है, ऊपर से बहता है, खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो पेश कर रहे हैं। ये आबशार आप देख सकते हैं कि ये शाहीबाग से आगे तकरीबन 10-15 किलोमीटर का फासला है, तो ये बेहतरीन आबशार है। हमें ख़ुद पता नहीं है कि ऊपर क्या है, झील है या क्या है कि या वहाँ से जो पानी है वो आ रहे है। अगर दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे आबशार भी है, उस साइड पे भी छोटा जो आबशार है वो भी है, पानी बहता है और बहुत खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है आप देख सकते हैं कि एक और साइड पे भी ये जो है ये आबशार है, पहाड़ से गिरता हुआ ये बेहतरीन आबशार आप देख रहे हैं कि ये एक कुदरती हुसन का जो है करिश्मा है, और ये बेहतरीन नज़ारे जो है ये आप देख रहे हैं। सयाहों के लिए भी एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप शाहीबाग का विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे शाहीबाग से तकरीबन पैदल हम 10 मिनट में पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो शाहीबाग से यहाँ पर आए तो एक ही जगह पर आपको आप लोगों को 3-4 आबशार एक ही जगह पर मिलेंगे, आगे भी जाएंगे आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। शाहीबाग ग्राउंड तक आपको पहुंचने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है, और गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर्स होते हैं। मेरे साथ इस वक्त 4 ड्राइवर्स शाहीबाग में मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग कलाम से जब आते हैं तो आप लोगों के पास किस तरह की गाड़ियाँ होते हैं और कितने चार्जेस लेते हैं, और ये बताइए कि रोड कैसा है? भाईजान रोड तो ख़राब है, इधर जब आना है तो 4x4 गाड़ी को इस्तेमाल करेगा, और जो छोटे गाड़ी है वो इधर नहीं आ सकता है। तो मेहमान को चाहिए कि आपने गाड़ी कलाम में खड़ा करे और इधर से। अच्छा, टाइम भी बता दे कि उनके कलाम से, कलाम में जब बंदा आते है कलाम, तो कलाम से शाहीबाग तक जो आप लोग गाड़ी का जो टाइम है वो कितना टाइम आप लेते हैं? भाईजान बस तकरीबन 3-3.5 घंटे शाहीबाग का सफ़र है। 3-3.5 घंटे, तकरीबन 3 घंटे तक कलाम से शाहीबाग तक जो है वो यहाँ तक रास्ता है। कहना चाहता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत इलाका है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ये घन नहीं फेंकना चाहिए, जो चीज़ वहाँ से लेके आते हैं वही शाहपर में डाल के अपने साथ ले जाए। देखने का इलाका है, खूबसूरत इलाका है, बेहतरीन इंजॉय, जो भी मेहमान आएगा खुश होके जाएगा। तो कलाम से यहाँ आने का सफ़र तो काफ़ी है, लेकिन मसला है कि जब मेहमान इधर पहुँचते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगते हैं। जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपकी जो सारी थकावट है वो ख़त्म हो जाती है। मेरा भी यही पैगाम है आखिर में, जब आप लोग आते हैं यहाँ पे तो जो ड्राइवर्स असर आते हैं उनका भी ख्याल रखें, और जो रास्ता है उनमें उनके साथ ताउन करें, उसके साथ साथ सफाई का जो इंतज़ाम है वो भी करें। आगे भी जाएँगे आपके साथ और जो मुख्तलिफ़ मनाजिर है आपके साथ शेयर करेंगे। शाहीबाग की खूबसूरत मनाजिर आप लोगों ने देख लिए, मेरे इस व्लॉग में आपने शाहीबाग के खूबसूरत नज़ारे भी देख लिए, और जो आबशार है वो भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहाँ पे मकामी टूरिस्ट और मुल्क भर से आए हुए टूरिस्ट के जो व्यूज़ थे वो भी आपने सुन लिए, और जो ड्राइवर्स के एहसास थे वो भी आप लोगों ने सुन लिए। बेहतरीन जगह है, आप भी यहाँ पर आ जाए। मेरे व्लॉग का अहतमाम इसी मैसेज पर होगा कि आप जहाँ भी जाएँगे वहाँ पर सफाई करें, कचरा ना फेंके, और जो आप लोग कचरा फेंकेंगे तो आपने साथ उठाए और किसी डस्टबिन में डाले। मेरा यही मैसेज है, और इसी पे मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।